अच्छा तो आपके शरबत जो है किस नाम से मशहूर है? ये शरबत मोहब्बत। शरबत मोहम्मद, वाह ये मोहब्बत है। और ये वाले शरबत का क्या नाम है? शरबत नफरत। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज ईद का बहुत बड़ा पर्व है, लोग खुशियां मना रहे हैं, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में नफरत चल रही है, पर उसी पर जो है आज ईद ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तो आज जो है मैं जामा मस्जिद से, अभी मैं स्टोरी कर कर आई थी, अब जामा मस्जिद से आकर मैं जामा मस्जिद की ही गलियों में हूँ, तो अभी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उन्हीं से। तो क्या नाम है आपका? फैज़ कुरैशी। फैज़ कुरैशी। फैज़, ये गली का क्या नाम है पहले तो ये बता। गली मटिया महल। मटिया महल जी, मटिया महल गली है। और इनके शरबत आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से इसमें रूह अफजा डाला गया है, उसके बाद अब जो है ठंडक के लिए तरबूज काटा जा रहा है। अच्छा तो आपके शरबत जो है किस नाम से मशहूर है? ये शरबत मोहब्बत। शरबत मोहम्मद, वाह ये मोहब्बत है। और ये वाले शरबत का क्या नाम है? शरबत नफरत। शरबत नफरत, वाह मतलब क्या सोच के आपने ये नाम रखे हैं बताइए। एक वो होती है क्या, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में मोहब्बत जागनी चाहिए, इसलिए नफरत इसलिए रखा गया, जहाँ मोहब्बत है वहाँ थोड़ी सी नफरत होनी चाहिए। जिस तरीके से मतलब अभी देश का माहौल है उसमें आप जो है ये मोहब्बत का शरबत बांट रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं शरबत के द्वारा, ये पैगाम दिया जा रहा है। सोचने वाली बात है, आप लोग भी सोचिए किस तरीके से ये एक ठंडक, एक ठंडाई जो हम बोलते हैं, उसी रमज़ान के पाक महीना जो है ख़त्म हो गया है और अब जो है आज ईद जो है ठीक है, तो उसी पर जो है ये मोहब्बत का शरबत बांट रहे हैं। यहाँ पर मोहब्बत का शरबत है, ये आप देख सकते हैं नफ़रत का शरबत है, इन्होंने बताया, अभी मैं पी लूँगी। ये देखिए इन्होंने मुझे सर्व भी कर दिया है, बहुत ही टेस्टी है मोहब्बत का शरबत, वाह मज़ा आ गया। तो अभी मैंने आपको दिखाया किस तरीके से नफरत का शरबत भी है, जिस तरीके से देश में थोड़ी हाँ मोहब्बत तो बची नहीं है पर बची खुची है, तो उसमें जो नफरती लोग हैं उनको ये शरबत पिलाकर उनका गुस्सा और नफरत ठंडा किया जा रहा है। जिस तरीके का टेम्परेचर है, 45 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में गर्मी में, और जहाँ पैर नहीं रखा जाता, वहीं आज ईद के दिन लोग 2 बज रहा है, आप देख सकते किस तरीके से भीड़ है आज ईद पे, और लोग यहाँ पर दिन में दोपहर में बाहर घरों से निकले हुए हैं, जहाँ एसी लोग छोड़ नहीं सकते, कूलर नहीं छोड़ सकते, पंखे नहीं छोड़ सकते, वहाँ आज ईद का जो ये खुशियों का दिन है जो आज वो देख सकते हैं आप सामने किस तरीके से लोग 2 बजे अपने घरों से निकले हुए हैं और यहाँ मोहब्बत का शरबत बांटा जा रहा है। क्या खूबसूरत मिसाल दे रहे हैं, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो किस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं और कितना जो लोग आ जाते हैं? काफ़ी सारे लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। कितनी कमाई आपकी हो जाती है दिन भर में? अल्लाह का शुक्र है हो जाती है, लगभग हो जाती है अच्छा खासा कि आपका घर भर चल जाए। अच्छा जिस तरीके से अभी देश में माहौल नफरत पैदा की जा रही है, क्या कुछ असर पड़ा है आपके? बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी, मतलब असर हुआ है उसका, सारी मोहब्बत बांटती, काफ़ी सारी मोहब्बत बांटती, काफ़ी सारों के दिल में जगह बना ली। अच्छा यहाँ पर हाँ आप ये शरबत पी रहे, कैसा है ये शरबत? बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिन में मोहब्बत का शरबत पी रहे हैं, मोहब्बत जाग गई जी, बेशक बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम है? अब्दुल रहमान, न्यू सीलमपुर रहते हैं। न्यू सीलमपुर, सीलमपुर रहते हैं। सीलमपुर से आप यहाँ पे आए हैं जामा मस्जिद, आज ईद किस तरीके से मनाई जा रही है? बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई जा रही है, काफ़ी देर से घूम रहा हूँ मैं, बहुत ही भीड़ हो रही है। अच्छा कुरैशी, आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पर जो है किस तरीके से लोग रहते हैं, क्या हिंदू हिंदू रहते हैं, मुस्लिम भी मुस्लिम रहते हैं या हिंदू भी रहते हैं? मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सब सद्भाव कैसा है, मिल बांट के रहते हैं, मिसाल कायम कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। देखिए किस तरीके से जो एक तरफा मीडिया लगातार इस तरीके से दिखाता है, नफरत फैलाता है, वो मीडिया आपको वो चीज़ें नहीं दिखाएगा, मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, पर उनका सद्भाव जो है
प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है और लगातार इसी भाईचारे को यहाँ कायम किया जा रहा है। और भी यहाँ पर शरबत मोहब्बत, एक और मोहब्बत का शरबत है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से नफरत की राजनीति एक तरफा मीडिया दिखाती है और मैं आपको दिखा रही हूँ मोहब्बत शरबत। और इन गलियों में जो बहुत पुरानी है, पुरानी गलियाँ हैं, आप इससे वाकिफ भी होंगे, तो दिल्ली की खूबसूरती है वो जामा मस्जिद की गलियों में बसती है। अब इन्हीं से जान लेते हैं, आपके शरबत का नाम भी शरबत मोहब्बत है, क्या सोच के रखा है आपने? हमने क्या सोच के नाम रखा है, जो लोगों ने बोलते हैं इसको शरबत मोहब्बत, हमने वही रखे हैं। बस मोहब्बत बांट रहे हैं, लगातार लोगों के पास मोहब्बत पहुँच रही है, बस पहुँचते रहते हैं, मोहब्बत पहुँचा रहे हैं। बाकी लोगों में मोहब्बत जागी है क्या? जा रही है। ऐसा आप पैगाम दे रहे हैं आज ईद के दिन है, मोहब्बत मारते हैं। बस कुछ पैगाम देना चाहेंगे अपने देशवासियों को, हमारे लोगों को, हमारी जनता को, दर्शकों को? इंशाल्लाह जरूर देंगे। आज ईद है, चलो लोगों से मैं बात करती हूँ। चलिए अभी कुछ लोगों से भी और जान लेते हैं, बात करते हैं। ये मोहब्बत शरबत पीने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल पीने आए। तो कैसा है ये, नाम सुन के आपको कुछ महसूस हो रहा है? हाँ जी, नाम सुन के लग रहा है टेस्ट बहुत अच्छा होगा, ऐसा शरबत मोहब्बत एकदम ठंडा, गर्मी में जो मोहब्बत है वो चाहिए, तो गर्मी में तो शरबत बनता ही है पीना, इसलिए बस। मतलब यहाँ अच्छा पैगाम दिया। क्या नाम है आपका? महिमा, हम जयपुर से आए हैं ये पीने। जयपुर से आए हो आप यहाँ? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मोहब्बत शरबत पी के देखिए दिल्ली का जो एक ये गलियाँ है उनकी खुशियों को देखिए, आज किस तरीके से ईद है, आप भी ईद मनाने आए? हाँ जी हाँ जी। इनका नाम महिमा है और आपने देखा वो भी जयपुर से ईद मनाने आई है। सोचिए कि ये हमारे देश में अच्छा पैगाम दिया जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन खान है और कौन महिमा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से मिसाल कायम की जा रही है, हिंदू मुस्लिम लोग जो हैं मिल बांट के रहते हैं और जिस तरीके से एक तरफा मीडिया आपको दिखाता है आप देखते ही रहते हैं। अभी और भी लोगों से हम जानेंगे, कितनी पुरानी पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर, आप सामने देख सकते हैं ये सामने यहाँ पर क्या नाम है मैं आपको बता देती हूँ, अल जवाहर रेस्टोरेंट है। तो ये सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। मोहम्मद एजाज जी, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? कितनी? हाँ मैं माफी चाहूंगी आपसे, आपके ग्राहकी का टाइम है, अभी ये बात नहीं कर पा रहे क्योंकि अच्छा खासा आज ईद है, लोग हैं, लोगों का अच्छा खासा जमावड़ा है, भीड़ जुटी हुई है, अभी वो मशगूल है। पर बहुत पुरानी दुकान है, आप देख के स्ट्रक्चर से देख के आप पता लगा सकते हैं। तो अभी अगर कोई मौजूद होगा तो मैं बात करने की कोशिश करूंगी। अच्छा कितनी पुरानी दुकान है ये? बहुत पुरानी दुकान है, लगभग ये तो डेट बता देंगे मैनेजर साहब। क्या काम करते हैं जी? क्या क्या है यहाँ पे आप बेचते हैं? ये मटन कौरमा है, मटन नहारी है, चिकन कौरमा है, चिकन नाड़ी है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकती है आपकी? हमारे यहाँ बिकते हैं मटन नहारी। क्या पसंद करते हैं सबसे? मटन कौरमा भी पसंद करते हैं, नहारी भी पसंद करते हैं, चंगेजी भी पसंद करते हैं, जो खाने का जिसको इच्छा अच्छा है वही बिकते हैं, अच्छा बिकते हैं। अभी मैं आपको लेके चली नमाज पे जामा मस्जिद पे, उसके बाद मैं आपको लेकर आई मोहब्बत शरबत पे, उसके बाद हमने खाने पीने की चीज़ों की बात की, फिर अब जो है मीठे की बात कर लेते हैं। अगर मीठे की बात ना करें तो उसके बिना तो हमारा जो है ईद अधूरी है। जो आप सामने देख सकते हैं ये शाही टुकड़ा हाजी कूल पॉइंट है, तो अभी इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या कुछ खास है इनके शाही टुकड़े में। तो ये कितनी पुरानी दुकान है ये? क्या पहले तो सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? हाजी टी पॉइंट। हाजी टी पॉइंट, कितनी साल पुरानी दुकान है ये? काफ़ी दिन हो गया, 1919 लिखा हुआ है ना, सन 1995 पैंसठ से आप यही ये शाही टुकड़ा बेच रहे हैं। कितना बिक्री हो जाती है, किस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पर, कैसे खा? बिक्री कितना हो जाता है, जो भी हिसाब से हो जाता है वो खा रहे हैं लोग, खा रहे हैं, अच्छा है। हाँ ये लोग पसंद करते हैं, शाही टुकड़ा और रबड़ी मिला के देते हैं, अच्छा लगता है। अब आप भी खाइए, जब भी तो पता चलेगा, आप भी खाइए ना, अच्छा लग रहा है कैसे आपको? बिल्कुल मैं टेस्ट करूंगी क्योंकि लोगों ने जो है अभी तक मिठाइयाँ खाई हैं। शाही टुकड़ा ये कहाँ से आपको सूझा कि शाही टुकड़ा जो है बनाया जाए? बस भाई शाही टुकड़ा, इसमें कई विटामिन होती है, इसमें खोया होता है, ब्रेड होता है, इसमें दो तीन सामान पड़ा हुआ होता है, खाने में टेस्टिंग अच्छा होता है। हाँ जी,
अच्छा जिस तरीके से आप मैं टेस्ट करूंगी, ये देखिए इन्होंने मेरे को दे भी दिया है परोस कर टेस्ट करने के लिए, अभी मैं टेस्ट भी करके आपको बताऊंगी। शाही टुकड़ा क्या नाम है, खूबसूरत नाम है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये मिठाई है खाने के लिए। और मीठे की अगर हम बात ना करें तो हमारा आज ईद जो है अधूरी रह जाएगी। और अच्छा तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिस तरीके से हमारे देश में नफरती माहौल चल रहा है, क्या कुछ असर पड़ा है आपकी दुकानों पे? नहीं जी, देखो जी हमें ये कोई ये चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बस। अच्छा कोई बढ़िया से अच्छे से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सभी तरीके के लोग यहाँ खाने को आते हैं, हर समुदाय के? बेशक बेशक सभी लोग आ रहे हैं। अभी देखिए इन्हीं से हमने जाना कितनी पुरानी इनकी दुकान है, किस तरीके के लोग आते हैं। अभी ये मैं देखिए सामने ये मेरे को इन्होंने दिया भी है और मैं ये टेस्ट करके भी बता दूंगी। मीठा है और गर्म भी है, ये थोड़ा सा बहुत टेस्टी है, मतलब सारी मिठाइयों को फेल कर देता है। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ मगर मैंने खा के देखा बहुत हल्का मीठा टेस्ट है इसका, बड़ा टेस्टी है। और अगर आप जामा मस्जिद की गलियों में आ रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि शाही टुकड़े को अगर आपने नहीं चखा तो कुछ भी नहीं चखा, बहुत टेस्टी है और ज़रूर खा के देखिए इस शाही टुकड़े को। तो अभी इनसे भी हमने जाना और बात की कितनी पुरानी ये दुकान थी और जिस तरीके की नफरत है उसमें ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट स्वाद परोस रहे हैं लोगों को, ताकि हमारे देश में भाईचारा कायम हो। अच्छा पैगाम दे रहे हैं, मिठास फैला रहे हैं हमारे देश में लोगों में, जिस तरीके से सद्भाव लोगों का बिगड़े नहीं और लोगों में आपसी भाईचारा इसी तरीके से बना रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों से आगे बढ़कर अब जो है अब हम आए हैं असली और मेन जगह पर, क्योंकि आज ईद का दिन है, मीठी सेवई बनती है, ये सबके घरों में आपको मिलेगी आज के दिन। तो अभी वहीं मैं सेवई की जो है एक दुकान पर हूँ और इन्हीं से जान लेते हैं क्या क्या अलग अलग तरीके की, आप सामने देख सकते हैं अलग अलग तरीके की ये सेवई हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ जी, कितने टाइम से आप दुकान लगा रहे हैं? 20 साल हो गया है। 20 साल से आप ये सेवई ही लगाते हैं? सेवई लगाते हैं 20 साल। कितना दिन भर में जो है ये बिक जाता है? तकरीबन मिनिमम बिक जाता है, काम चल जाता है। अच्छा जिस तरीके से अभी देश में माहौल पैदा किया गया है उससे क्या कुछ फर्क पड़ा है आपकी दुकान पे? नहीं, लॉकडाउन के बाद से अभी साल सही है काम, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। इस अभी देश में माहौल नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और दुकानों पे जो है इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब सही है यहाँ पे। अच्छा, तकरीबन यहाँ पर क्या हिंदू मुस्लिम उस तरीके के समुदाय सारा रहता है यहाँ पे? बिल्कुल सब रहते हैं, सब आते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कौन से लोग आते हैं, क्या मुस्लिम लोग ही आते हैं या हिंदू लोग भी आते हैं? दोनों आते हैं, बराबर आते हैं जी। का जो सद्भाव प्यार है भावना है वो इसी तरीके से है यहाँ पर? बिल्कुल दोनों हिंदू, देखिए दुकान जो है ना ये भी हिंदू की है, ये भी हिंदू की है, लेकिन इसके आगे हम बैठते हैं ताकि हम यहाँ 70-80 साल से इनकी दुकान के आगे बैठे हैं। हाँ ये भी इनको, हाँ हाँ। अच्छा ये मैं देख रही हूँ आपके पास अलग अलग तरीके की सेवई है, ये लंबी वाली है थोड़ा लाल कलर की है, तो इसका क्या महत्व है, ये क्या प्राइस आप देते हैं? ज़्यादा रोस्टेड हो जाती है जब भट्टी में जाती है, नीचे की जो है वाइट निकलती है, नीचे की वाइट होती है ऊपर की, और ये 100 रुपये किलो है यहाँ पे ये। हाँ ये वही महत्व तो है। ये फैन ही है, हाँ ये हाथ की बनी हुई है, हाँ हाँ ये मशीन की बनी हुई है। अच्छा। ये देखिए ये बना इलाहाबाद। अच्छा, अभी मैं ये देख रही हूँ वाइट वाली भी है क्या? ये इलाहाबाद की है, दिलीप सोई वालों का माल है ये, हम दिलीप सोई वालों का माल बेचते हैं यहाँ पे इलाहाबाद से, तौफीक अहमद का। ये भी सेवई है उसी तरीके से बनती है? ये भुनी हुई है, ये वो है सादी है, कच्ची है ये जी। ये मतलब किस तरीके से ये भी उसी तरीके से बनाई जाती है जैसे ये? ये चाशनी में बनाई जाती है जी। सबके अलग भाव है, 160 रुपये किलो है। 160 रुपये किलो है ये फैनी जो घर में तैयार की जाती है, 160 रुपये किलो है जी। तो देखिए किस खूबसूरती को मैंने आपको दिखाया कि आज ईद का दिन है और सेवई पे अगर हम बात ना करें तो उसके बिना तो ईद अधूरी है। तो उसी सेवई की मैंने अलग अलग वैरायटी आपको दिखाई, कितने साल पुरानी इनकी दुकान है, 20 साल हो गया है यहाँ पर दुकान लगाते हुए। और जाहिर सी बात है इन्होंने मुझे एक और जो है इम्पोर्टेंट और ख़ास बात बताई कि ये जो दुकान है वो हिंदू की है और यहाँ पर जो साइड में दुकान है वो भी हिंदू की है और यहाँ पर इनकी बीच में दुकान है और कभी भी जो है कभी भी इनकी आपसी बैर भाव या ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
लगातार इसी तरीके से इनकी दुकान अच्छे से चल रही है। और इनसे हमने जाना कि किस तरीके के यहाँ लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम लोग भी आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग आते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ, हनीफ जी क्या आपकी भी दुकान है? जी हम बगल में है जी। तो किस चीज़ की आपकी दुकान? इसी की है। इसी की है, फैनी और ये सेवई की। तो आज कितनी बिक्री हो गई? हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही हो जाती है चंद्रत वाले दिन तो। तो कितने साल पुरानी आपकी भी दुकान? हमारी भी 30-40 साल पुरानी दुकान। 30-40 साल पुरानी दुकान है। क्या कुछ माहौल का असर पड़ा है आपकी दुकान पे? सही पड़ा, पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ जी। है जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, आज ईद है और कुछ कहना चाहेंगे क्या? लोग तो कहने वाले कहते हैं, अब क्या कह सकते हैं उसके लिए, कहने वाले कहते हैं, मगर आप इसी तरीके से भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम। सब कुछ यही है। बहुत अच्छा लगा कि आपकी भी इसी चीज़ की, इनसे हमने अभी जाना, इनकी भी इसी चीज़ की सेवई की दुकान है और इसी चीज़ की ये दुकान 30-40 साल से लगातार चला रहे हैं, मगर ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। और इस तरीके से ये बता रहे हैं कि सब लोग यहाँ मिलजुल के रहते हैं, किसी भी तरीके की कोई रंजिश नहीं है। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और सबसे ज़्यादा आपको मैं अगर ले चलूँगी गोश्त की दुकानों पर तो सबसे ज़्यादा हिंदू आपको खाते हुए मिलेंगे। और ऐसा कोई माहौल नहीं है, यहाँ प्यार मोहब्बत से यहाँ सब लोग जो है मिलजुल के हर चीज़ को, हर त्यौहार को मनाते हैं। जिस तरीके की एक तरफा नफरत हम लोग देश में देख रहे हैं, उस तरफ आज ईद के दिन जो है इस तरीके का पैगाम दिया जा रहा है। और साथ ही चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की स्टोरी, खास स्टोरी आज मैंने की है, इसीलिए की है कि आपको मैं ले चलूं उस गलियों में, उस मोहब्बत और उस प्यार को दिखाऊं जिस तरीके से यहाँ पर जो मीडिया नहीं आती और दिखाती नहीं है, वही चीज़ मैंने आज आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ लोग मिलजुल के रह रहे हैं और किसी भी तरीके की इनमें कोई नफरत नहीं है, रंजिश नहीं है। लगातार इसी तरीके की चीज़ें मैं आपके सामने नई नई लाती रहूँगी और जरूर मेरी इस स्टोरी को बताएं कि किस तरीके की आज आपको स्टोरी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, बताते चलिए। और चलते चलते अब मैं आपसे अलविदा देती हूँ और सहयोगी धर्मेंद्र के साथ नई दिल्ली जामा मस्जिद।